नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इस समय हूँ लखनऊ में, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र नेता हैं। अनिल सिंह जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, युवा मंच के। और जिस तरीके से आजकल ट्रेंड चल रहा है हल्ला बोल का, और जिस तरीके से युवा डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, और जो कैंपेन चल रहा है रोजगार का, उसमें ये विद्यार्थी भी कुछ आप लोगों से कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अनिल सिंह युवा मंच के अध्यक्ष हैं, बताइए आज आपके लखनऊ आने का क्या उद्देश्य है? हम लोगों का यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि आज पूरे भारत में जो बेरोजगारी के इस आलम को लेकर के एक सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है, मैं पूरे प्रदेश के, पूरे देश के युवा साथियों से अपील करूँगा कि आप लोग जैसे भी हों, जिस हाल में भी, अपनी इस आवाज़ को बुलंद करिए, वरना ये सरकारें आपको एकदम गुलाम बना देंगी और रोज़गार तो दूर दूर दिखेगा नहीं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया मन की आवाज़ में आते हैं, तो कभी बेरोजगारी का मुद्दा उनके मन की आवाज़ में नहीं होता है। और जो डिसलाइक की परंपरा चली है, अब जितने भी देश के मंत्री संतरी हैं उनके ऊपर डिसलाइक की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और आने वाले चुनाव में इनको बाइकाट किया जाएगा। क्योंकि ऐसे नेता जो झूठ बोलते हो, हर मोड़ पर जो है लफाजी करते हो, हर मोड़ पर जो है बयान दे करके जो है आम जनता को गुमराह करते हो, ऐसे नेताओं को इस देश की जरूरत नहीं है। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो हर मोड़ पर लफाजी करते हैं, कहते हैं दोना बनाना रोजगार है, पकौड़ा बनाना रोजगार है, खिलौना बनाना रोजगार है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि खिलौना जानकर मुझको, एक गाना है आप लोग जानते होंगे कि खिलौना मत समझिए, ये देश का युवा है। और जो आप हाथ फैलाकर कहते हैं मेरे देश के नौजवान साथियों, ये देश का नौजवान अब जाग गया है, निश्चित तौर पर 2022 का चुनाव इस बात को इतिहास में लिखवाएगा कि जो लफाजी करने वाली सरकार है, जो आम युवाओं को गुमराह करने वाली, और जो प्राइवेटीकरण बेचने की प्रथा है, अभी तक भारत जो सोने का चिड़िया था, यहाँ से लोग आते थे ले जाते थे, आज क्या है कि आज हम खुद इतने कमजोर हो गए। आज आप GDP देखे होंगे, -23 point something है। अब देश की GDP जो है एकदम गुलामी की जो जमाना था उससे भी नीचे चला आया है। तो ऐसे में सभी प्रदेश के नौजवान साथियों से बार बार निवेदन है, आग्रह है कि यह मुहिम तब तक चलनी चाहिए जब तक सरकार जो है बैक फुट पर नहीं आती है। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग एकजुट होइए, जितने भी मंच हैं, जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों को एक करके दिल्ली कूच किया जाएगा और दिल्ली की सियासत करने वाले सभी नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब ये कि जितने भी छात्र हैं अलग अलग, चाहे राज्य की जो भर्तियां, भर्तियों की तैयारी करते हैं UP SSC वाले, या लोक सेवा आयोग वाले, या SSC वाले, या रेलवे वाले, सभी विद्यार्थियों को अब समय आ गया कि एकजुट हो जाना चाहिए और सरकार के विरोध में जितना जो भी विद्यार्थी अपना योगदान कर सकता है, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, वो इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक और छात्र हैं, हाँ बताइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप जहाँ हैं, जहाँ से हम लोग बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरजमी से, एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं हो कि राइट टाइम हो। सिर्फ चुनाव राइट टाइम होता है, सिर्फ जो है विधायक को राइट टाइम पर खरीदा जाता है, सरकार बनाई जाती है, बाकी सारी चीज़ें राइट टाइम पर क्यों नहीं। 2016, 2011 कोई भी वैकेंसी आप देखिए, चाहे UPSC में देख लीजिए, चाहे UP SSC में देख लीजिए, या फिर अधीनस्थ सेवा में देख लीजिए, यहाँ तक कि आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, हायर एजुकेशन, किसी भी क्षेत्र में आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि सरकार ने सही टाइम पर जो है भर्ती पूरा कराई हो। इस बात से भी, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में कई लाख पद खाली हैं, सरकार सिर्फ और सिर्फ झुंझुना बजा करके 2 करोड़ रोजगार कभी करती, कभी 10 करोड़, कभी 4 करोड़, सिर्फ एक मीडिया वालों से। इसीलिए युवाओं ने ठाना है कि अब मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठा पाएगी, हमें अपनी आवाज़ खुद उठाना है, और उसकी ताकत आप हैं। इसलिए प्रदेश के सभी, देश के सभी नौजवानों से आग्रह कि अपनी आवाज़ खुद उठाइए, किसी दूसरे के सहारे बैसाखी पर चले। कि सुशांत और रिया जैसे मामले को सिर्फ एक परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, उसको डेली डिबेट में चलाया जा रहा है। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों के, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं, डेली आत्महत्या के, उसका दूर दूर तक कोई नहीं है। आप तैमूर की भी बात अगर देखेंगे तो उसको भी खूब हाईलाइट किया जा रहा है, और सबसे बड़ा बेबी जंप का जो एक सिलसिला चला है उसको भी आप याद करें कि बेबी जंप कर रहा है। अब जैसे ही सुशांत और
रिया का मामला फाइनल होगा तो सारी मीडिया बेबी जंप में लग जाएगी और देखिए कब तक जंप करती है। तो इसके लिए सभी से आग्रह कि वर्तमान समय में हम सबको एकजुट होना है और पूरे प्रदेश में दिखा देना है कि युवा क्या है। और किसी ने कहा है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो हमें जवाने को चलाना है। ऐसी निकम्मी गूंगी बहरी और लथास सरकार हमको नहीं चाहिए, इसलिए सबको जो है जागना है। हम किसी सपा बसपा कांग्रेस किसी के भी समर्थन में नहीं रहेंगे। जो सरकार बेरोजगारों की आवाज सुनेगी और बेरोजगारी के मुद्दे पर आएगी वही हमारी सरकार होगी, क्योंकि युवा मंच टीम का लगातार दावा है कि शिक्षा और रोजगार हो चाहे जिसकी सरकार हो। इस मुहिम पर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। तमाम टीम भी जो अलग अलग लड़ रही है, हम चाहेंगे कि सब लोग एकजुट होकर लड़े। हमारे तमाम साथी आप लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद। ये एक और छात्र हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है और क्या मुद्दे हैं। ये भी लखनऊ आए हुए हैं। मैं अमरेंद्र सिंह बाहुबली इलाहाबाद का छात्र हूं और नौजवान जो छात्र की आवाज़ उठाते हैं हम लोग हमेशा ये कार्य करते रहते हैं। इलाहाबाद की सरजमी से हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन आज हम लोग लखनऊ में एक जगह पूरी मीटिंग की व्यवस्था की गई थी कि जो प्रदेश और देश में मामला चल रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लाइक डिसलाइक, ये हम लोगों का त्वरित निस्तारण दिया जा रहा है, सरकार को बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है कि हम आपको जवाब कैसे दे सकते हैं। आप मन की बात बेरोजगार युवाओं को बेवकूफ बनाने की गलती मत करें। आपको हम लोग लाइक डिसलाइक नहीं, पैदल जमीन पर भी आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों का एक चेतावनी है आपके लिए कि आप फेंकना बंद करें। महोदय, इतनी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे बेसिक आयोग हो, कहीं भर्तियां फॉर्म निकल जाता है तो कहीं फॉर्म निकल ही नहीं रहा है, कहीं पद निस्तारण हो ही नहीं रहा, कितना पद है कितना नहीं है, किसी का एग्ज़ाम हो जा रहा है तो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम हो जा रहा है तो उसका मतलब एग्ज़ाम करा रहे हैं तो उसमें धांधली करवा दे रहे हैं, मतलब कुछ इनका क्लियर ही नहीं है। इनका परिणाम आ गया और सिर्फ ये युवाओं को बता रहे हैं कि आप खिलौना बनाइए, पकौड़ा बेचिए और सड़क पे हमारी जयकारी, जय श्री राम, तमाम सारे मुद्दे हैं भटकाने वाले। मंदिर है, मुस्लिम भाई हैं, उनको आप डिस्टर्ब करिए, अल्लाह कहे तो उनको मार दीजिए, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे हमको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। और युवा इतना बेवकूफ़ नहीं है सर, युवा जिस दिन जाग जाएगा, रोड पे आ जाए, अभी तो आपको लाइक और डिसलाइक से इतनी आफत हो गई है कि हो सकता तो, है अगली मन तो, की बात असल में नहीं, 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 सरकारी नौकरियां तो बहुत कम है, तो सरकार की तो ये योजना है कि आप सरकार की तो ये योजना है कि आप कौशल विकास में कुछ प्राइवेट कुछ धंधा पानी करें, खिलौने या कुछ भी। तो मुद्रा लोन है और बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार कहती है कि सरकारी नौकरियां कम हैं, विद्यार्थी जो हैं वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए भी तो विद्यार्थियों को सोचना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टियां जिस भी प्रदेश में हैं सिर्फ उन्हीं के लिए लोन है, उन्हीं के लिए सब। हम बेरोजगार युवाओं के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, बैंक के चक्कर लगा लगा के हमारे चप्पल घिस जा रहे हैं, हम जा के हताश हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें जुमला ज्ञान देंगे, बैठ के ज्ञान क्यों दे रहे हैं सर। जो जितना आप सोशल मीडिया पे जितनी योजनाएं बना रहे हैं, आपको तो ऐसे योजना मंत्री बना देना चाहिए। कहने का मतलब आपकी ये केवल घोषणाएं करते हैं, केवल योजना कागजों में बनती है, सिर्फ और सिर्फ इनकी घोषणाएं। जमीन पर आज तक 0.5% भी नहीं देखा, GDP की ऐसी की तैसी ये लोग कर लिए हैं। यहाँ स्तर ये आ गया है कि अगर हमारे देश के कुछ संभ्रांत या फिर और तो देश क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार तो अभी तक नहीं जागे, विद्यार्थियों की भी गलती कि विद्यार्थी इतना तेज जागे है ना। अच्छा आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है। मेरी समस्या बेरोजगारी को लेकर के है। हम पिछले 2013 वैकेंसी के हैं TGT। अच्छा अच्छा। TGT के और शेष पैनल में हमारा सिलेक्शन हुआ, लेकिन अभी तक जो है विद्यालय आवंटन नहीं हुआ। हम सब कोर्ट के चक्कर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए हैं। इसी मामले में हम सब आज जो है लखनऊ गूंज किए हैं, युवाओं का संगठन बना के वहाँ जो है एक मुहिम छेड़े हैं
कि हम सरकार को दिखाएंगे। 2013 की भर्ती है और अभी तक अवशेष पहलन जारी नहीं हुआ, नियुक्ति नहीं हुई आपकी, बताइए। जी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, जबकि 606 लड़कों का काउंसलिंग करवाए हैं कोर्ट के माध्यम से, अभी 404 लड़के काउंसलिंग करवा चुके हैं, अभी उनको कंटेम्प्ट के चक्कर में दौड़ाया जा रहा है, बार बार हर महीने डेट लगाई जा रही है, वकीलों की इतनी बड़ी फीस लेकर के आज बेरोजगार युवक दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के चक्कर में आज आत्महत्याएं कर रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में आज वो गांव चले गए हैं, गांव से फ़ोन करते हैं, भैया वहां क्या स्थिति है देखिए, हम सब भी परेशान हो जा रहे हैं, कितना पैसा वकील को दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो है सरकार को सोचनी चाहिए, सरकार को अमल में लाना चाहिए, आयोग को निर्देश देना चाहिए, जितनी पुरानी पेंडिंग वैकेंसियाँ हैं उसको तत्काल जो है प्रभाव से क्लियर करें। और मुझे लगता है अभी तक 3 साल कार्यकाल हो गया योगी जी का, लेकिन मैं बहुत समर्थक था, अभी तक भाजपा सरकार का मैं बहुत अच्छे तरह समर्थक था कि चलिए मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, बहुत सारी योजनाएं हुई, लेकिन बेरोजगारी के मामले में आपने क्या किया आज तक? 3 साल में माध्यमिक की वैकेंसी कोई भी नहीं निकली है और ना ही आने वाले टाइम में संभावना है। मुझे लग रहा है कि ऐसे 2 साल और बीत जाएगा, एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। 69,000 की बात करें तो यहाँ भी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में आज मिलाकर ये भी कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी है जो नियमावली में शुरू में गलती की है। सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है, क्योंकि उसके ऊपर जो है GDP की ऐसी जो है दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सरकार जो है कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन युवाओं के लिए वो कोशिश करना ही नहीं चाह रही। ऐसी की बात करते हैं तो वो भी आज जो है 3 साल हो गया उसको भर्ती को लेकर के, लेकिन आज तक निस्तारण नहीं हो पाया। सरकार चाहे तो उसको जो है एक आदेश दे दे, बस उसको तुरंत निपटारा हो जाए, लेकिन नहीं चाहती है वो। कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। सरकार अगर चाहे तो सभी मामलों को तुरंत निपटा सकती है, जिस तरीके से विकास दुबे को तुरंत निपटा दिया और अंसारी को, विजय मिश्रा को, जितने भी लोग हैं, सरकार की प्राथमिकता में क्या है और क्या नहीं है ये देखने वाली बात है। आप बताइए कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपना योगदान दीजिए। हाँ, इस चैनल को भी, ये चैनल काफ़ी युवाओं और बेरोजगारों का ये चैनल बहुत बड़ा मसीहा रहा है, टारगेट विथ PS परिहार चैनल है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी आवाज़ पूरे देश प्रदेश विदेश जहाँ तक पहुँचे लाइक डिसलाइक माध्यम से पहुँचाइए और इनको मुँहतोड़ जवाब दीजिए अब ठेंगा दिखा करके। तो आप लोग इस वीडियो को, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया था, मैंने ये वीडियो बनाया और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो, आज का हल्ला बोल, बहुत बहुत धन्यवाद।